तो चलिए खबर रायपुर से ही देखेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 3 बजे से एकात्म परिसर में शुरू होनी है। ये बैठक शुरू हो गई है, लगभग शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र की वर्णित पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। 24 अगस्त से है छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र, और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से वरिष्ठ और विशेष संवाददाता आशीष तिवारी जी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत आशीष जी, शायद ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है, बैठक का एजेंडा भी बिल्कुल साफ है, क्या और जानकारी? देखिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था विधानसभा सचिवालय ने, 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना आपदा चल रही है, और इसलिए कोरोना के लिए जो भी जरूरी सावधानियों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करते हुए ये सत्र आहूत किया गया है। लेकिन 4 बैठकों के सत्र में बीजेपी बेहद आक्रामक ढंग से अपने को सदन के भीतर प्रस्तुत करने की तैयारी करने में अब से ही जुट गई है। एकात्म परिसर में अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं उनकी बैठक शुरू होनी है, और इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि किन बिंदुओं के आधार पर सदन के भीतर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी इस बैठक में होगी। जरूर एक जानकारी मिल रही कि नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र सिंह की तबियत थोड़ी नासाज है, इसे शायद इस बैठक का हिस्सा न बन पाए, लेकिन रणनीति को लेकर बिल्कुल वाकई है, क्योंकि ये बेहद ही अहम ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि 24 अगस्त से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसके पहले विपक्ष अपनी तमाम नीति को वर्णित को यहाँ पे इस बैठक में तैयार करेगा। आशीष जी, बड़ा सवाल ये भी है, लगातार आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो 15 साल तक सत्ता में काबिज रही उसके बाद जिस तरह से अब वो विपक्ष में है, तो जितनी भी उसकी जो रणनीतियां बनती जा रही थी वो कहीं ना कहीं उतनी कारगर साबित नहीं हो रही थी। एकात्म परिसर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी और विशेष संवाददाता आशीष तिवारी भी जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ देर बाद इस बैठक को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरा जाए उसको लेकर इस बैठक में वर्णनीति भी बनाई जाएगी। तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए वर्णनीति बनाने में जुटा हुआ है, कि क्योंकि अभी तक विधानसभा का जितना भी सत्र शुरू हुआ, एक सत्र तो कोरोना की वजह से स्थगित करना ही पड़ा था क्योंकि वो चल नहीं पाया था, और जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी विपक्ष की होनी चाहिए थी उस तरह से विपक्ष वो तमाम मूलभूत मुद्दे उठा नहीं पाया, या यूं कहे कि वो मुद्दे भुनाने का मौका सरकार ने विपक्ष को नहीं दिया, इसलिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भुना नहीं पाया है। तो 24 तारीख से सत्र की शुरुआत होने वाली है, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ और विशेष संवाददाता आशीष तिवारी जी भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं एकात्म परिसर से। आशीष जी, जिस तरह से अभी तक जितनी भी जो विपक्ष की रणनीति थी जो हमने देखी कि सरकार को घेरने को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही थी वो उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई, इस बार क्या इतर विपक्ष सोच रहा है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि सरकार ने कोई मुद्दा दिया ही नहीं अब तक घेरने के लिए? देखिए रणनीति तो उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, धान खरीद का मुद्दा तो बीजेपी के पास हमेशा से ही है, इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में मौतों का बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में सरकार तमाम मुद्दों को सदन में बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाएगी। रणनीति किन किन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे? मैं वही बता रहा था कि जैसे कि COVID-19 को निपटने के लिए जो चाहे श्रमिकों को लाने का मामला हो, क्वारंटीनों का मामला हो, और चाहे टेस्ट का मामला हो, ऐसी सब व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार जहां तक देखी है इसमें असफल रही है, और शराबबंदी का मामला हो, शराब इस कोविड काल में भी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, अवैध रूप से बिक रही है, जिसके कारण एक कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बहुत ज्यादा फैलने की संभावना है, बेरोजगारों की समस्या है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें ये सरकार को जवाब देना है। विकास काम पूरे ठप हैं, ये सरकार हर मोर्चे पर लगभग फेल होने की स्थिति में है,
इन तमाम मुद्दों पर आज विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी, जिसमें आगामी सत्र में हम सरकार को इससे जवाब ले सके। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि कोविड को लेकर कई तरीके की गाइडलाइन जारी है, और जानकारी यह भी है कि जिस दिन जिस विधायक का सवाल होगा उस विधायक का की सदन में मौजूदगी होगी और सरकार से उस मंत्री की मौजूदगी होगी जो इसका जवाब देगा। लगता है कि जितनी आक्रामक ढंग से बीजेपी मुद्दों को उठाने की तैयारी में है वो मुद्दे उस ढंग से उठ पाएंगे सदन के भीतर? निश्चित रूप से, देखिए अभी कोविड का कुछ सावधानियां हैं, कुछ गाइडलाइन है, लेकिन लगता है कि हमारी जो मुद्दे हैं वो पूरे इसमें धारदार तरीके से, पूरे आक्रामक तरीके से रखा जाएगा और सरकार को निश्चित रूप से घेरा जाएगा और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार को जवाब देना ही होगा, ये तमाम तैयारियां हैं बीजेपी की। और इस वक्त हमारे साथ सरकार के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री रह चुके हैं अजय चंद्राकर जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से सदन के भीतर आप लोग की आक्रामकता इस बात देखी जाएगी। सदन के लिए तो विषय ही विषय है, सरकार कोई काम थोड़ी ना कर रही, जनता के हितों के बिल्कुल खिलाफ चल रही, इसलिए जो बोले वो सरकार के खिलाफ, उसके गोबर खरीदी से लेकर कोई भी चीज हो। कौन सा काम उन्होंने उल्लेख नहीं किया है इस 6 महीने में पिछले सदन से बाद, और वो तो कोशिश करेंगे कि सदन मत चले। पिछली बार दो बार संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि आज प्रश्नकाल नहीं चलना चाहिए, इतिहास वो हो सकता है वैसे प्रस्ताव रखें कि सदन न चले। भूपेश बघेल जी ने एक भी क्वेश्चन डे का पिछले बार बजट सत्र में सामना नहीं किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कोशिश करेगी सत्तारूढ़ दल इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री को हम बचा के रखें प्रश्नकाल से करके। क्या महज खाना पूर्ति के तौर पर बिल्कुल खाना पूर्ति है, उनको अनुपूरक बजट पारित करवाना है बस। कोई विधेयक तो वो लाते नहीं, विधेयक लाते हैं तो चोरी छिपे पारित करवाते हैं सदन स्थगित करवा के। तो ये सरकार की कोई दिशा रीति नीति नहीं है, इसलिए मुद्दों की कोई कमी नहीं, मुद्दों की कमी बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय चंद्राकर, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस लिहाज से उनके पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाकर सरकार को कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सकती है, ये कहना है अजय चंद्राकर का। लेकिन इस बीच ये भी बता दे कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये खाना पूर्ति के तौर पर इस बैठक को, विधानसभा के बैठक को बुलाया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, केवल सरकार अनुपूरक बजट को पारित करना चाहती है, यही सरकार का एक बड़ा एजेंडा है, और जैसे ही बजट पारित होगा सरकार इन बैठकों को रद्द भी कर देगी, ये एलिगेशन है। लेकिन देखना होगा जब सदन की बैठक शुरू होगी तब वास्तविक स्थिति क्या बनती है। लेकिन हाँ, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने के मुद्दों की फहरिस्त तैयार कर ली जाएगी। नहीं, आशीष जी, बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पे एटलीस्ट सदन 24 अगस्त से जो सत्र है वो चलने की संभावना तो जाहिर की जा रही है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वदलीय बैठक बुला के कोरोना का हवाला देके विधानसभा सत्र को ही स्थगित कर दिया गया है। कम से कम ये सिचुएशन तो हम छत्तीसगढ़ में नहीं देख पा रहे हैं, या इस तरह की कुछ कंडीशन भी छत्तीसगढ़ में बन रही है फिर, जिस तरह से यहाँ पे अजय चंद्राकर भी कह रहे थे। देखिए, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश में किसी की देखने को मिली कि सेशन को सर्वदलीय बैठक बुलाकर रद्द कर दिया गया था, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद? सरकार का एजेंडा अनुपूरक बजट है। देखिए, सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सत्र बुलाया है। वैसे तो इस सत्र का, क्योंकि ये टोटल मिला के 3 बैठकें होंगी, तो इस सत्र का कोई औचित्य नहीं है, और ये निर्णय करना सरकार का काम है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय करती है। बीजेपी ने भी मांग की थी कि सत्र की बैठकों की संख्या बढ़ा दी जाए। निश्चित रूप से हमने कहा था कि 3 बैठकों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाएगा, और इसलिए इसको अगर आपको सत्र करना आवश्यक ही है तो इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, कम से कम 7 से 10 दिन की बैठक होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि औचित्य नहीं है, लेकिन फिर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में जिन मुद्दों को बीजेपी तराशेगी, आखिर जब सदन के भीतर वो मंच नहीं मिलेगा तो कैसे ये मुद्दे बीजेपी उठा पाएगी सरकार के? नहीं, तो परिस्थितियां क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, परंतु हमें अब तो अपनी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, और उसी तैयारियों के लिए आज विधानसभा हमारे विधायक दल की बैठक है। तो बीजेपी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, बीजेपी विधायक दल की बैठक में जरूर उन मुद्दों की तलाश की जाएगी सरकार को, जिससे कटघरे में खड़ा कर घेरा जा सके, सरकार से सवाल किया जा सके। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर भी आशंकित है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई, हालांकि छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन हुआ है, 4 दिनों की बैठक रखी गई है, लेकिन क्या वैसे हालात यहां बनेंगे? क्या सरकार अनुपूरक बजट पारित करने के बाद
बैठक को स्थगित कर सकती है, ये संशय की स्थिति बीजेपी विधायक दल के भीतर भी देखी जा रही है। बिल्कुल वाकई आशीष जी, क्योंकि जब सत्ता में रहते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं अलग रहती हैं और जब हम विपक्ष में रहते हैं तो प्राथमिकताएं अलग रहती हैं, पार्टी वही है लेकिन प्राथमिकताएं दोनों ही प्रदेशों में बदल गई हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।